राम मंदिर का निर्माण, गुलाबी गर्भगृह। गर्भगृह में अब तक बंसी पहाड़पुर के 400 गुलाबी पत्थर बिछाए गए। 21 फीट प्लिंथ की 6 लेयर का भी निर्माण कार्य पूरा। गुड़ मंडप को बनाने के बाद बनाया जाएगा नृत्य मंडप। राम मंदिर के भूतल में 2.25 लाख घनफुट पत्थर लगेंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण का अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण में करीब 300 कारीगर और इंजीनियर 2 शिफ्टों में जुटे हुए हैं। विशेषज्ञों की निगरानी में मंदिर निर्माण का काम चरणबद्ध ढंग से चल रहा है। मंदिर की फर्श यानी प्लिंथ का काम पूरा हो चुका है। अब गर्भगृह को आकार देने में कारीगर जुटे हैं। भव्य गुलाबी पत्थरों से गर्भगृह को बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। गर्भगृह में अब तक बंसी पहाड़पुर के 400 गुलाबी पत्थर बिछाए जा चुके हैं। इन शिलाओं पर की गई नक्काशी मंदिर के गर्भगृह की भव्यता को बता रही है। बहुत जल्द ही राम मंदिर के स्तंभों को भी जोड़ने का काम शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं रामलला परिसर में बन रहे मंदिर की अब तक की निर्माण प्रगति यात्रा के बारे में। टुकड़ों में होगा स्तंभों को जोड़ने का काम। 7 लेयर में बनने वाली प्लिंथ का काम लगभग पूरा हो गया है। 21 फीट ऊंची 6 लेयर बन चुकी है। 7वीं लेयर बंसी पहाड़पुर के पत्थरों के साथ बिछाई जा रही है। अब स्तंभों को जोड़ने का काम शुरू करने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि गर्भगृह में अब तक 400 पत्थर बिछाए जा चुके हैं। गर्भगृह की महापीठ बनकर तैयार है। गूढ़ मंडप का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब नृत्य मंडप को आकार देने का काम शुरू होगा। मुख्य मंदिर की दीवारें, स्तंभ आदि को ड्राइंग के अनुसार जोड़ा जाएगा। स्तंभों को जोड़ने का काम भी टुकड़ों में किया जाएगा। हर स्तंभ पर नक्काशी भी होनी है। ऐसे में उन्हें जोड़ने में पूरी सावधानी बरती जाएगी। इसको लेकर मंदिर के आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग टीम अपनी विस्तृत योजना बनाने में जुटे हैं। रिटेनिंग वॉल की दूसरी लेयर का काम जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर निर्माण का काम तय सीमा में ही चल रहा है। मंदिर की रिटेनिंग वॉल का निर्माण भी तेजी से जारी है। रिटेनिंग वॉल 2 लेयर में बननी है। 6 मीटर की पहली लेयर बन चुकी है, जबकि दूसरी लेयर का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर के भूतल में करीब 2.25 लाख घनफुट पत्थर लगेंगे। इसमें से अब तक करीब 50,000 घनफुट पत्थर तैयार हैं। बाकी के पत्थर 3 कार्यशालाओं में तराशे जा रहे हैं। राजस्थान से पत्थर तराश कर लाए जा रहे हैं। अयोध्या की राम सेवकपुरम स्थित कार्यशाला में गर्भगृह की बीम आदि के पत्थरों की तराशी तेजी के साथ की जा रही है। आपको याद दिला दें कि राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर किया था। सबसे पहले मंदिर की 50 फीट गहरी नींव तैयार की गई। नींव के ऊपर राफ्ट की ढलाई की गई। राफ्ट के ऊपर प्लिंथ ढालने का काम जनवरी माह में शुरू हुआ था। नींव निर्माण में 8 नामी तकनीकी एजेंसियों की मदद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर सदियों तक अक्षुण रहे, इसलिए राम मंदिर के नींव निर्माण में भारत की 8 नामी तकनीकी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। मंदिर की प्लिंथ के काम को पूरा करने में 7 माह का समय लगा। राम मंदिर निर्माण का काम अपेक्षित गति से चल रहा है। मंदिर की मजबूती पर विशेष ध्यान है। भव्यता में भी ये मंदिर देश के चुनिंदा मंदिरों में से एक होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक मंदिर का गर्भगृह तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। गर्भगृह में रामलला की स्थापना खरमास के बाद जनवरी 2024 में होगी। गर्भगृह में रामलला की स्थापना होते ही भक्तों को दर्शन भी प्राप्त होने लगेगा। इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहेगा। मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधाओं के लिए अनेक भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। मंदिर के साथ अन्य कार्य भी। वैदिक सिटी का दायरा 250 एकड़ तक बढ़ा।
मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में अन्य कार्य भी हो रहे हैं। यहाँ वैदिक सिटी यानी नव्य अयोध्या के नाम से आकार लेने वाली ग्रीन फील्ड टाउनशिप का काम तेज हो गया है। टाउनशिप में अब तक 8 राज्यों के लिए जमीन आरक्षित की जा चुकी है। नेपाल और श्रीलंका भी जमीन की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। ये योजना अब 1200 एकड़ के बजाय 1450 एकड़ में आकार लेगी। नव्य अयोध्या योजना को 3 चरणों में मूर्त रूप दिया जाना है। पहले चरण का काम प्रारंभ हो चुका है। 6 महीने के भीतर पहला चरण पूरा हो जाएगा। 2024 तक नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या की आभा में 4 चांद लगाती नजर आएगी। अब तक वैदिक सिटी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों ने अपने राज्य के अतिथि गृह और धार्मिक केंद्र खोलने की इच्छा जताते हुए भूमि मांगी है। योजना में 80 देशों के गेस्ट हाउस सहित कई अन्य प्रकल्प भी बनने हैं। योजना के लिए पहले चरण के लिए 82.18% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। 17 मीटर ऊंचे गर्भगृह तक पहुंचने के लिए लगेगा एलिवेटर। रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण नवीन शोध और आधुनिक तकनीक के जरिए हो रहा है। गर्भगृह निर्माण में ऊर्ध्वभाग से शंख चक्राकार और बाह्य दृष्टि से नागर शैली के स्थापत्य को समेटे किसी पुरातन प्राचीर की आकृति अब दिखने लगी है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तल पर बैठकर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था, उस तल की ऊंचाई समुद्र तल से 97 मीटर ऊंची थी। इस तल से 107 मीटर तक राम मंदिर के फाउंडेशन को कम्पैक्ट रीति से भरा गया। फिर इसके ऊपर 1.5 मीटर राफ्ट की ढलाई की गई। इसके बाद 6.5 मीटर फर्श का निर्माण ग्रेनाइट ब्लॉकों से किया गया। इस तरह वर्तमान में गर्भगृह की ऊंचाई सतह से 17 मीटर ऊपर हो गई है, जिस पर चढ़कर आना जाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए यहां एलिवेटर लगाना होगा। अगले 2 माह में इसे लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। फर्श निर्माण पूरा होने में अभी लगेगा 10 दिन का वक्त। मंदिर की फर्श को ग्रेनाइट के ब्लॉकों के जरिए भरा गया। इसे नींव की सतह से 21 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। फर्श का निर्माण अंतिम चरण में है। इसमें लगने वाले 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों में 16,500 पत्थरों को यथास्थान रखवा दिया गया है। क्रेन ट्रावरों से 30-35 टन वजन के पत्थरों को निर्धारित ऊंचाई के स्थान पर रखवाने में पर्याप्त समय लगता है। इस काम में दर्जनों मजदूरों को लगाया गया है। फर्श के साथ ही सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण का काम भी अब गति पकड़ चुका है। गर्भगृह की महापीठ के साथ उसके अग्रभाग में बनने वाले गृह मंडप और उसकी दीवारों यानी मंडोवर के पत्थरों को भी लगाने का काम शुरू हो गया है। खास बात ये भी है कि ये सभी काम महज 70 दिनों में किया गया। सुपर स्ट्रक्चर में बंसी पहाड़पुर के तरासे जा चुके लाल बलुआ पत्थर लगाए जाने हैं। रामलला के मंदिर परिसर में दिखेगी खूब हरियाली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के साथ ही कई अन्य योजनाएं भी प्रस्तावित की हैं। इसके लिए देश भर के आर्किटेक्ट से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। करीब 150 आर्किटेक्ट के सुझावों के अध्ययन के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। समिति ने सभी सुझावों को संकलित कर उनका समायोजन कर लिया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राय ली गई। इसके बाद तय हुआ कि राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अतिरिक्त अति आवश्यक सिविल कार्य ही कराया जाएगा। मंदिर परिसर में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली रखी जाए। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।